हेलो गाइस, वेलकम बैक। और गाइस, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सबको गाइस। और गाइस, कोना मैंने आज में लेजेंड एनर्जी है, सबको पता ही है। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे लेजेंड चैलेंज जीत सकते हैं, उसकी कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, सबसे पहले आप अपने मैं आपको बता देता हूँ लेजेंड चैलेंज में क्या है। तो गाइस, इसमें आपको सबसे पहले गोल्ड बॉल लेजेंड मिलेगा और बाद में ब्लैक बॉल लेजेंड मिलेगा। तो आपको पता है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं। और गाइस, आपके पास अभी बहुत टाइम है गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पे 8 days और 20 hours गाइस। ये लेजेंड चैलेंज में आप इतनी आसानी से नहीं जीत सकते, आप सबको पता हो। और गाइस, कुछ बात नहीं, आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेला जीत पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहली टिप्स है कि आपके टीम की टीम स्पिरिट 99 होनी चाहिए गाइस। तो गाइस, आपकी टीम स्पिरिट 99 होनी चाहिए, तभी आप मैच जीत पाएंगे गाइस, ये पक्का है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपकी टीम स्पिरिट 99 कर लीजिए। और मैनेजर की बात करते हैं गाइस, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गाइस 4-3-3 फॉर्मेशन यूज करें, और इसमें बेस्ट है क्लोप। गाइस, आप क्लोप यूज करिए, इसका डिफेंस भी बहुत अच्छा है और अटैक भी बहुत अच्छा करता है। तो इससे आपको मैच जीतने में बहुत आसानी रहेगी। और आप एलोमेन को भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है गाइस, लेकिन 4-3-3 फॉर्मेशन में आपका डिफेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बात है। और दूसरी बात करते हैं डिफेंड की, तो गाइस आप अपना अच्छा सा गोल कीपर, आपकी टीम में जिस भी अच्छा गोल कीपर है वो यहाँ पे रख सकते हैं, रख लीजिए। और बात करते हैं डिफेंडर की, तो डिफेंडर गाइस आप अपना ऐसा लीजिए कि उसकी स्पीड अच्छी हो। गाइस, मेनोलेस से यहाँ पे उसकी स्पीड देख सकते हैं 90 है, वो मैक्स लेवल पे है मेरा। और मेनोलेस और दूसरा हो गया वरान, वरान की स्पीड भी बहुत अच्छी है गाइस। आप उनकी को भी रख सकते हैं कि वो मैक्स लेवल पे हो, तो आप उसके रामोस वगैरह डिफेंडर रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, उनकी मेरा मैक्स पे है, वो भी रख सकते हैं। ये हमेशा आपके पास होगा तो आप इसके पे भी रख सकते हो। ये वरान हो गया गाइस, आप देखिए मैं आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ। गाइस, इसकी स्पीड भी 91 है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा आपको मैच जीतने में। और गाइस, दूसरी बात, आप LB और लेफ्ट बैक और राइट बैक जरूर यूज कीजिएगा गाइस। इस बार आप CB मत लगाइए, क्योंकि ये दोनों प्लेयर आपकी टीम में आपको अटैक करने में भी बहुत मदद करेंगे और आपके डिफेंस लाइन में भी बहुत मदद करेंगे। और आप इसको, आप इसमें जो स्पीड वाले हो गए उसको आप जरूर पहले रखिएगा गाइस, क्योंकि वो आपको बहुत मदद करेगा। इसकी स्पीड 89 है, एलेक्सेंड्रो, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और एक DMF जरूर यूज़ करेगा गाइस, इससे आपका डिफेंस अच्छा बना रहेगा। और सेंटर फॉरवर्ड है तो गाइस, आपके पास रोनाल्डो है तो मैं आपको बस यही यूज़ करूँगा, वरना ओबामा एक भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से हो तो आप इसको यूज़ करें, वरना आप दूसरा भी अच्छा कोई ले सकते हैं, लुकाकू वरना। और गाइस, राइट विंग फॉरवर्ड और सलाह आप तो रख सकते हैं, मैं अभी इसमें नहीं रखा क्योंकि ये मेरी 2 टीम है गाइस। और लेफ्ट में आप नेमार रख सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं। तो गाइस, ये तीनों आपके बहुत ही अच्छे रह गए। और मिडफील्डर में आप गाइस कोई भी अच्छे से रख लीजिए, ये DMF जरूर रखिएगा। और सब्स्टिट्यूशन बहुत ही जरूरी है गाइस, आप सब्स्टिट्यूशन में अपना अच्छे प्लेयर रखें जो आपको सब्स्टिट्यूशन में मदद करेंगे। तो गाइस, यही कुछ टिप्स हैं जो आपको। और गाइस, एक और बात, जब आप मैच कर रहे होते हो तो आपके डिफेंडर को वो प्रेस मत करिएगा, उससे क्या होगा कि आपके डिफेंडर आगे आ जाएंगे और आपके ओपोनेंट को जगह मिल जाएगी और वो आसानी से आपके काउंटर अटैक कर देंगे, तो आप गोल खा देंगे गाइस। तो आपके डिफेंडर को वहीं पर वहीं रखें और आप प्रेशर इससे करें, राइट बैक, लेफ्ट बैक और डिफेंडर DMF, तो आपके डिफेंडर वहीं रहेंगे और उससे
आपके ओपोनेंट को जगह नहीं मिलेगी अटैक करने की, तो आपको गोल नहीं खा सकते। ये बात जरूर याद रखिएगा गाइस, आपके डिफेंडर को आप आगे मत ले जाइए, जो वहाँ पे है वहीं उसे रहने दीजिए तो अच्छा रहेगा आपको। तो गाइस यही कुछ टिप्स थी, और सबसे जरूरी बात आपकी टीम स्पिरिट 99 होनी चाहिए गाइस, तब भी आप मैच जीत पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।